गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और जैसा कि पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम लोग आपको बताने वाले हैं शेफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको एज ए शेफ यहां पर नौकरी करनी है या आना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग आपको सारी ही चीज़ें बताएंगे। तो आप ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना, कुछ भी चीज़ें जो है वो स्किप मत करना, अदरवाइज हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए। और अगर आप शेफ हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हमें पता चलेगा फिर कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें से कितने लोग एज ए शेफ़ यहाँ पर आना चाहते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो ऑलरेडी शेफ हैं और वो बाहर कहीं पर एज ए काम करना चाहते हैं तो उनसे ज़रूर शेयर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दीपक, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, अच्छा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में यही एग्जैक्टली इसी जगह प्रॉमिस किया था। इस वीडियो के बारे में मैं टिप दे देता हूं। हां हां, प्लीज प्लीज। वो वीडियो उनके लिए हो गया अगर कोई एज ए कुक यहां पर आना चाहती है। तो हम वापस आ गए हैं सेम जगह पे आपके लिए वीडियो लेकर, और ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको एज ए कुक यहाँ पर आना है, स्पेशली एज ए इंडियन कुक मैं बात कर रहा हूँ। उनको अगर यहाँ पर जर्मनी आना है तो क्या प्रोसेस है एक्चुअली, मतलब क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। अगर कोई भाई लोग इंडिया से देख रहे हैं जिनको एज ए जो एज ए कुक हैं काम करते हैं वहाँ पर, उनको जर्मनी में अपना फ्यूचर में करियर बनाना है, यहाँ पर सेटल होना है, तो उसके लिए क्या तरीका है। तो दीपक, मैं बस एक चीज़ स्टार्ट तुम कर रहे हो ऑब्वियसली मुझे पता है, पर मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ एज एक्साइटमेंट, क्या एज ए कुक, मतलब एज ए कुक किसी को यहाँ पर नौकरी करनी है या आना चाहते हैं तो वो क्या आ सकते हैं? और दूसरा सवाल, क्या उसमें भी लैंग्वेज, जो यहाँ पर हर चीज़ में लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है वो होती है? तो बस पहले हाँ या ना बोलना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या बोलने वाले हो। नहीं, एक्चुअली बेसिकली ज़रूर आ सकते हैं यार, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ बताने के लिए कि क्या तरीका आने का। दूसरा, जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए कुक, एज ए शेफ अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। ओके, तो चलो फिर बताओ। तो मैं शुरू करता हूँ प्रोसेस कैसे काम करती है एक्चुअली। तो अगर आप एज ए कुक इंडिया में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो naukri.com पे भी होते हैं ऑप्शंस, पता है, एज ए शेफ यहाँ पर ढूंढने के। तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, उन पर ढूंढ सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में या कोई और रेस्टोरेंट है जिसमें एज ए आप इंडियन फूड एक्सपर्ट यहाँ पर आना चाहते हैं एज ए कुक, या फिर अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, उनको कुक की ज़रूरत है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ़र लेटर चाहिए होगा। तो वो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपका यहाँ से जो जिसका भी रेस्टोरेंट, होटल या आप जहाँ पर भी आने वाले हो वो आपको भेजेंगे। उसमें आपकी जस्ट एक चीज़, उसमें आपकी सैलरी, बेसिक चीज़ें होंगी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहली चीज़ ये होती है, तो सबसे पहली बात कि जो भी पोर्टल्स होते हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे। हाँ। सबसे पहले आपको जॉब ढूंढनी है, या तो आप कॉन्टैक्ट करो कोई ऑलरेडी जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर अगर आपकी जो स्पेशलिटी है वो दूसरे किसी उसकी है तो आप उधर पर ढूंढो। हाँ। और सबसे और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं जिनकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे। तो पहला चीज़ ये है, पहली चीज़ ये है कि आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हाँ, तो दीपक तुम ये बताओ आप क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कहाँ से स्टार्ट करना होगा हमारे व्यूअर्स को? ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रोसेस होती है, ठीक है? ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि क्या अदर देन बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इंडिया में, IICA नाम से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी आर्ट्स। वो बेसिकली हौजखास विलेज एरिया में है दिल्ली में। वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसे ZAV एप्लीकेशन बोलते हैं, और दूसरा आपको वहाँ पर एक कुकिंग टेस्ट देना होगा और उसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जो जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो आपको ये एप्लीकेशन और ये टेस्ट सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट से दे सकते हैं और कहीं और से नहीं दे सकते। तीसरी चीज़, ये टेस्ट की फ़ीस कितनी होती है? आज के टाइम पर आपकी एप्लीकेशन और टेस्ट दोनों की फ़ीस अराउंड 300 यूरोज़ होगी, जो इंडियन रुपीज़ में देखें तो 24,000 से 28,000 रुपये के बीच में पड़ती है, और ये आपको ही पे करना पड़ेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग दो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिफरेंट है अदर वीज़ा से, उसमें है एक आपका CV या आपका बायोडाटा, जो जर्मन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाएंगे तो अच्छा है, बेहतर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपको एज ए कुक
मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कम से कम 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी होटल में कहीं भी काम किया हुआ है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डेफिनेटली होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका CV या बायोडाटा, तीसरी चीज़ आपका IICA से एप्लीकेशन और IICA में आपका कुकिंग टेस्ट अप्रूवल। ये 4 चीज़ें आपको एज ए कुक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड इसके अलावा बेसिक वीज़ा सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जैसे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। तो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, ये 4 चीज़ें आप लगाएंगे और आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा। ये वीज़ा शुरू होता है 6 मंथ से और 3 साल के बीच में मिलता है आपको, 6 to 3 ईयर्स, और बाद में ये एक्सटेंड होता जाता है। तो जब आप यहाँ पर एज ए कुक यहाँ पर आते हैं, आप 3 साल का आपको वीज़ा मिलता है और ये फर्दर आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक्सटेंड होता है, तो 5 साल आप यहाँ रहने के बाद एज ए परमानेंट रेसिडेंस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर सेटल हो सकते हैं इजीली। जैसा दीपक ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए बहुत थी, इसलिए मैं बीच में आ गई यहाँ पर, कि यहाँ पर ना कि आपको जॉब मिलती है, आपकी एक स्टेबिलिटी होती है और आप एक एज ए फ्यूचर जो है यहाँ पर एक स्टेबल जॉब कर सकते हो, प्लस आपको PR जो है वो 5 साल का बोल रहा तुमने, 5 साल के बाद आपको PR मिल जाएगा। अच्छा सर, भी मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर आप एज ए कुक यहाँ पर आते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। पहली चीज़, ये एक जर्मन नेशनल वीज़ा होता है, गिवन बाय जर्मन गवर्नमेंट ऑब्वियसली, तो इसमें आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी यहाँ पर आपकी, और आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिस पे आपकी फैमिली की हेल्थ पूरा फ्री होगा सिस्टम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी स्पाउस जो आप अगर आप एज एम सॉरी आपकी स्पाउस जो भी है, अगर आप मैन हैं तो वुमेन, या वुमेन है या मैन, आपका जो भी पार्टनर है वो यहाँ पर काम कर सकता है, वो भी काम कर सकता है आपके वीज़ा पे। तो आप अगर एज ए कुक यहाँ पर आ रहे हैं तो आपकी वाइफ भी यहाँ पर काम कर सकती है, शी इज़ अलाउड टू वर्क हियर, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो आप दोनों फिर एक जन आता है यहाँ पर तो दोनों लोग साथ में फिर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप रुके क्यों हो, अगर आप शेफ़ हो और अगर आप सच में चाहते हो कि आप कहीं और जाओ, और जर्मनी बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, और आपको बस कुछ नहीं करना है, जल्दी से पोर्टल्स में जाके सर्च करो अपने लिए जॉब, और अगर आप बहुत अच्छे शेफ़ हो तो आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर जॉब बहुत ईजिली मिल जाएगी। जैसे ही आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है उससे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, एंड यू नेवर नो कि आप कल यहाँ पर हो, और अगर हाँ हो तो ज़रूर हम लोगों को मैसेज करना इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट करके बताना कि हाँ आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हमें हेल्प करे। और थैंक यू दीपक, तुमने इतना सारा रिसर्च करके और हम लोगों को बताया। ओके, तो एक और लास्ट बात मैं बताना चाहती हूँ कि कुक की जो सैलरी है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, तो कुक एज ए शेफ़ जो लोग होते हैं उनकी सैलरी बहुत बहुत अच्छी होती है, और मैं आपको नंबर्स तो नहीं बताऊंगी, पर मुझे पता है बहुत सारे ऐसे कुक जिनकी सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडिंग आपके एक्सपीरियंस पे, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छे कुक हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छी सैलरी मिलेगी। पर अगर आप जैसे मैंने बोला कि 6 साल की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद भी अगर आते हैं तो आपको डिसेंट सैलरी ऑफर होती है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिनको एज ए कुक यहाँ पर सेटल होना है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे मैंने आपको बताए। तो डेफिनेटली मैं वेट करूंगा, अगर कोई भाई लोग हैं या फिर कोई भी है कमेंट करता है कमेंट सेक्शन में जो इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी और आपको अगर जानना है कुछ और तो प्लीज़ कमेंट करना, और हम ज़रूर उसके बारे में रिप्लाई करेंगे आपको। और आई थिंक आई होप कि ये आपके लिए या किसी के लिए समवेयर हेल्पफुल हो जो हमारा वीडियो देख रहा है, बस यही हमारा मोटिव है। और आप जाने से पहले वीडियो को जो है मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जो शेफ़ भाई बहनें हैं उनको शेयर कर देना ज़रूर, हो सकता है ये एक जो वीडियो है वो उन लोगों की लाइफ चेंज कर दे। बाकी हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए, बिकॉज हमारे पास अब नेक्स्ट वीडियो का वो नहीं है जो दीपक ने बोला था, और क्या जानना चाहते हो, मतलब एज ए प्रोफेशन, एज ए ट्रेनिंग्स, यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जॉब्स के लिए, कौन सा चाहते हो आप स्पेसिफिक टू वो कमेंट करना, तो हम वीडियोस पे बनाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय। नहीं, और एक क्या करता है यार, बैठो यार। मुझे क्या हो गया बताता हूँ।
सबसे पहली चीज़ IICA करके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी एक मिनट इंस्टीट्यूट है IICA इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी सॉरी कलिनरी क्या था ये इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी क्या नाम है इसका जो डिफरेंट है अदर वीजा से सांस ले रहा हूँ